9 सितंबर को जो कुछ होता रहा, हमारे कायदीन को 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदा असेंबली पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से वहां से घसीटा गया अरकानी पार्लियामेंट को, वो पूरा कौम और दुनिया देख रही थी। ये पार्लियामेंट पर हमला है, ये इस मुल्क के आईन और दस्तूर पर हमला है, ये 25 करोड़ आवाम और जमहूरियत पर हमला है। ये तारीख का एक सिया बाब और वो दिन जमहूरियत का ब्लैक डे होगा। जनाब स्पीकर साहब, हम इंतजार करते हैं, के इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी और इस पर एक्शन होगा। इसको हम ऐसा जाने नहीं देंगे। हमारे मशरान, हम मशवरा करेंगे, हम सोचेंगे, हमारा मशरान आइंदा का लायामल देंगे। सेकंड सर, 8 सितंबर को हमारा एक तारीखी जलसा होता है, एक कामयाब जलसा होता है, पूरा कैपिटल इस्लामाबाद जाम होता है, पिशावर इस्लामाबाद मोटरवे जाम होता है, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे जाम होता है, हमारा लीडर जेल में, और इतना बड़ा जलसा के पहली दफा हम और बहुत सारे साथी जलसागाह पहुंचे भी नहीं। और दूसरे दिन सीएम केपी पे एफआईआर होता है। सर, ये पर्चा एक परदी वाहिद पर नहीं है, ये पर्चा इस ऐवान पर पर्चा है, ये 4 करोड़ पख्तूनों पर पर्चा है। हमारा मुतालबा है कि इस पर्चे को, इस एफआईआर को वापस लिया जाए, वरना फिर हम भी सोचेंगे कि यहां पर भी पिशावर में सीएम पंजाब पर पर्चा हो और वो भी पिश्ताखड़ा थाना में हो, ताकि फिर लग पता जावे। क्योंकि पंजाब हुकूमत का तर्जुमान सर वो कह रहे हैं और उसके कायदीन ये कह रहे हैं के लाहौर जलसा सीएम केपी अटक पार करके दिखाए, तो ये गलत कह रहे हैं। अटक हमारा है, अटक पख्तूनों का है, वरना ये हमारे साथी भी इसका तहत करेगा। हम अटक पार करके दिखाएंगे, लाहौर आएंगे और लाहौर का जलसा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर, मेरा तीसरा बात जिस पे साथियों ने भी बात किया, यह एक बात तो तय है कि फौज हमारा है, यह मुल्क हमारा है, इस मुल्क को फौज की जरूरत है और मजबूत फौज की जरूरत है, मुनज्जम फौज की जरूरत है। लेकिन हमारे तहफ्फुज़ात है और वो वजह है कि बाज इदारों के बाज लोग सियासत में मुदाखिलत करते हैं, और मुदाखिलत क्या कि सियासत और जमहूरियत पर कब्जा करना चाहता है। ये तासुर खत्म करना होगा सर। हम अवाम के नुमाइंदा है, अवाम की इतिमाद है हमारे ऊपर, हमें अपना काम करने दे।
और हमने फोकस करना होगा सर, जो हालात चल रहे हैं, जो गंभीर सूरत हाल है, पाटा में सर देके हम बॉर्डर पे आबाद है, पाटा में वजीरिस्तान बाजौर से लेकर वजीरिस्तान तक एक गैर यकीनी सूरत हाल है। परसों जो बाजौर में हुआ, पोलियो के टीम पर हमला होते और हमारा एक पुलिस का नौजवान लुकमान और एक पोलियो वर्कर जो है वो शहीद हो गया। कल वहां पर पुलिस की स्ट्राइक थी, पुलिस हमारे पूरे सूबे का और कबायली बेल्ट का, न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट का पुलिस फ्रंट पेज पे है, वो कुर्बानियां दे रहे, उसके मुतालिबात को सुनना होगा सर, उस पर गौर करना होगा कि वो क्या कह रहे हैं और उस मुतालिबात को मानना होगा। ये असास मामला है, इस पर गौर करे सर। और कबायली बेल्ट में अमन आना, ये दो बातें हैं सर, दो बातें। नंबर एक, वो तो हमने इधर कहा भी है, कह भी रहे बहुत सारे साथी कबायली मेंबरान के, वहां पर रोजगार का मसला है, वहां पर बेसिक बुनियादी जरूरियात नहीं है। मेरे हलके उत्मान खेल में पीके 21 में 20-25 किलोमीटर में सेहत अस्पताल की सहूलत नहीं है, स्कूल नहीं है, रसद रोड नहीं है सर। इसका वाहिद हल हमने पहले भी मैं कह चुका हूं कि हमारा हक, हमारा हिस्सा एनएफसी 3% सालाना 100 अरब रुपए जो कि डिसाइड हो गया था और हमारे साथ वादा किया, वो हमें क्यों नहीं मिल रहे, वो हमें मिलना चाहिए। दूसरा ये कि हम बॉर्डर पे है, फ्रंट पे हम है, जो सीएम साहब कह रहा था वे का वे वावेला हो गया है, शोशा हो गया है कि पता नहीं सीएम साहब ने क्या कहा है। सीएम साहब ने यही कहा है और हमारा जरूरत है कि अफगानिस्तान के साथ बैठना होगा और अफगानिस्तान के साथ बात करना होगा। हम जरगों के लोग हैं, हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे के बात समझते हैं। और ये सर, ये सीएम साहब ने जो बात कहा है, ये पूरे ईवान का बात है कि अफगानिस्तान के साथ बात करना होगा, ये जरूरी है। खड़े हो जाओ इस बात की, आप तयीद करेंगे कि अफगानिस्तान के साथ बात होगी। आप सब ये हम सर ये करारदाद पास करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ बात हो। हम कबायल इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, हम कबायली मेंबरान हमारे इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, हमारे कामी मशरान जो है कबायली वो इसमें किरदार कर सकते हैं। हम अप पर करते हैं कि हम इसमें अपना किरदार अदा करेंगे सर। आखिरी बात सर, इस मुल्क में जो गैर यकीनी सूरत हाल है, एक बहरान है, सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, हमारा मुल्क जो है वो IMF के कब्जे में उसकी मशीयत चला जाता है। तो सर, इस सारे बहरानों को अगर खत्म करना है तो हमारा लीडर, आलमी इस्लाम का लीडर वजीर आजम इमरान खान को रिहा करना होगा। आखिर में सर, एक शेर की इजाजत होगी आवागा पुख्तों के, द टोल पुख्तनों द पारा, दीवान द पारा, अपोजिशन लीडर से पर उन खबर ही कवले अपोजिशन द पारा, ची पुख्तनो ए पुख्तनो ए लेवनो पुख्तनो ए तस्नशो परगनो पुख्तनो, राजा चिकोर की मराकाश सरा दस्याले वक्त है, जरगाशु सरा दुनिया बदलेगी और तजान बदल करू और दगा जुलम जोल जिहान बदल करू। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सर, जबरदस्त।